80-90 के दशक के किंग गोविंदा का बॉक्स ऑफिस पर जलवा रहता था। साल भर उनकी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुआ करती थी। उन्होंने एक वक्त पर एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। गोविंदा ने न सिर्फ अपने एक्टिंग से ही बल्कि अपने फ्री स्टाइल डांस के जरिए भी लोगों के दिलों पर राज किया है। आज भले ही गोविंदा फिल्मी पर्दे से दूर रहते हैं, लेकिन उनके काम के चर्चे आज भी होते हैं। गोविंदा का सफर 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में शुरू हुआ और देखते देखते 90 के दशक में वो एक बड़े स्टार बन गए। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो बस 21 साल की उम्र में उन्होंने 75 फिल्में साइन की। इनमें से बाद में उन्होंने 25 फिल्मों को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, गोविंदा ने एक बार विदेश में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना किसी अनुमति के ऐसा काम कर दिया था जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता था। कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में एक मजेदार किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक बार डायरेक्टर डेविड धवन ने उनसे गोविंदा के बारे में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था। डेविड धवन ने कहा कि पेरिस के एफिल टावर के सामने एक गाने का सीक्वेंस शूट करना था और सबसे कमाल की बात यह थी कि गोविंदा ने सिर्फ 15 मिनट में वो पूरा सीक्वेंस शूट कर लिया था। लेकिन यह ट्विस्ट ये था कि डेविड धवन के पास वहाँ शूटिंग करने की कोई परमिशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने बिना किसी रुकावट के पूरा सीन शूट कर लिया। अभिषेक ने आगे बताया, गोविंदा ने मुझसे कहा बस कैमरा ऑन कर और जल्दी से स्टेप्स ग्रुप के साथ 15-20 मिनट में निपटा लो। इस बीच गोविंदा ने बिना किसी परमिशन के गाने को वो सीन शूट कर लिया। उस सीन में आप देख सकते हैं गोविंदा करिश्मा के साथ एफिल टावर के पास खड़े होकर डांस कर रहे हैं। अब गोविंदा का ये धमाल देखकर डायरेक्टर खुश हो गए। अगर वो पकड़े जाते तो उनके लिए मुसीबत में पड़ना लाजमी था। ऐसी ही न्यूज अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।